नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। इंदौर में धोनी ब्रिगेड ने लगाया जीत का चौका, दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से हराया। महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधरों ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से हराकर इंदौर के होलकर स्टेडियम में जीत का चौका लगाया। टॉस जीतकर मैन ऑफ द मैच धोनी ने कप्तानी पारी खेलकर नाबाद 92 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 247 रन बनाने में सफल रहा। दक्षिण अफ्रीका की पारी 43.4 ओवर में 225 रनों पर ही सिमट गई। भारत के लिए अक्षर पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने 3-3 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गया है। विराट कोहली ने इस मैच में 3 कैच लिए, जबकि धोनी ने 3 कैच लपकने के अलावा एक स्टंपिंग भी की। दादरी की घटना के बाद आतंकियों के निशाने पर हिंदू नेता। आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कुछ ऐसे इंटरसेप्ट साझा किए हैं, जिनसे पता चला है कि आतंकी संगठन कई शहरों में स्लीपर सेल को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दादरी व मैनपुरी जैसी हिंसक घटनाओं के साए में खौफनाक वारदातों को अंजाम देना है। इस जानकारी के बाद पूरे राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 5 पेज के इस इंटरसेप्ट के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल व प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग आतंकियों के निशाने पर हैं। अमेरिका ने कहा, भारत में धर्म प्रेरित हत्याएं, गिरफ्तारियां हुई। वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी 2014 पर अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धर्म से प्रेरित हत्याएं, गिरफ्तारियां, दंगे और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई है। कुछ मामलों में पुलिस सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावी तरीके से निपटने में विफल रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी द्वारा जारी इस वार्षिक रिपोर्ट के भारतीय खंड में विदेश विभाग ने कहा है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बयान दिए हैं।